आप एयरफोर्स रिटायर्ड हैं तो क्यों जन स्वराज ज्वाइन किया आप? साहब मुझे ऐसा लगा कि हमारा देश जो है सीमा पे सुरक्षित है। मैं कभी भी छुट्टी में आता था और यहाँ के जो हालात है प्रशासन और सरकार के जो रवैया है वो उससे मुझे इतना त्रस्त लगता था कि हमारा देश तो सुरक्षित है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अंदर बहुत गड़बड़ है। तो मैंने VRS ले लिया 20 साल के बाद कि अब अंदर में कुछ काम करने की आवश्यकता है। जैसे बहुत लोग हैं बाहर में बहुत काम करते हैं, परिवार में दुखी होते हैं, सेम कंडीशन हमारे देश का है। आप देखिए सीमा से तरफ हम कोई चिंता नहीं, किसी को कोई चिंता नहीं है, लेकिन इंटरनल इतनी समस्या है, भ्रष्टाचार हो, अशिक्षा हो, दमन की नीति हो, ये धर्म की नीति हो, जात की बात हो, और खासकर बिहार में हम पिछड़े पिछड़े हैं। और जब मैं एयरफोर्स में गया था उस समय बिहारियों को लेकर एक बिहारी गाली थी और मेरे अंदर कसक था कि आखिर कब तक। और मैंने 20 साल जो हमारा एंगेजमेंट है एयरफोर्स का, इनिशियल एंगेजमेंट, मैंने उसको पूरा किया। और मुझे पूरा करने के बाद मुझे लगा कुछ बिहार के लिए काम करना चाहिए, जो बिहारी धब्बा है इसको मिटाने के लिए। उसी समय हमारे प्रशांत किशोर जी, जो इतने बड़े रणनीतिकार के हैं, जो विद्वान हर क्षेत्र में आ गए हैं, वो आए और मैं अपना सौभाग्य समझा कि इसमें मुझे जुड़ने का मौका मिला। और गांधी जी मेरे एक्चुअली गांधी जी को मेरे मतलब सब कुछ है, मेरे बाप के समय है, राष्ट्रपिता है, सब जानते हैं, लेकिन मेरे बाप इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं उनको उनका जो बुक है मैं एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ हमेशा अपने धर्म ग्रंथ की तरह रख सकता हूँ साथ में। जो भी मेरे जीवन में जब भी समस्या आई सत्य के रास्ते पर चलती है कि मेरा सत्य न भंग हो, और जब भी मैंने क्वेश्चन का आंसर देखा उस ग्रंथ से मुझे मिला है। तो बापू का एक यहाँ फोटो, प्रशांत किशोर जी का सोच, दोनों का एक जो संगम आया उसमें मैं बह गया। राम तो उनके इतने बड़े प्यारे थे कि रघुपति राम उनका तो ये मंत्र ही था। और मैं बता देता हूँ भाई, बड़े बड़े संत जब उनके अंत समय आती है तो मुंह से राम नहीं निकलता है। मैंने कईयों संतों को देखा, लेकिन गांधी के हे राम जो विश्वविख्यात है, जाइएगा राजघाट पे मिलता है, तो इतने बड़े आध्यात्मिक और संत व्यक्ति। नाम तरुण कुमार चौबे है, जो मेरे आधार कार्ड के हिसाब से है, एयरफोर्स के हिसाब से, लेकिन जिस दिन मैंने सदस्यता ग्रहण किया। पूरा आप एयरफोर्स रिटायर्ड हैं तो क्यों जन स्वराज ज्वाइन किया आप? साहब मुझे ऐसा लगा कि हमारा देश जो है सीमा पे सुरक्षित है। मैं कभी भी छुट्टी में आता था और यहाँ के जो हालात है प्रशासन और सरकार के जो रवैया है वो उससे मुझे इतना त्रस्त लगता था कि हमारा देश तो सुरक्षित है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अंदर बहुत गड़बड़ है। तो मैंने VRS ले लिया 20 साल के बाद कि अब अंदर में कुछ काम करने की आवश्यकता है। जैसे बहुत लोग हैं बाहर में बहुत काम करते हैं, परिवार में दुखी होते हैं, सेम कंडीशन हमारे देश का है। आप देखिए सीमा से तरफ हम कोई चिंता नहीं, किसी को कोई चिंता नहीं है, लेकिन इंटरनल इतनी समस्या है, भ्रष्टाचार हो, अशिक्षा हो, दमन की नीति हो, ये धर्म की नीति हो, जात की बात हो, और खासकर बिहार में हम पिछड़े पिछड़े हैं। और जब मैं एयरफोर्स में गया था उस समय बिहारियों को लेकर एक बिहारी गाली थी और मेरे अंदर कसक था कि आखिर कब तक। और मैंने 20 साल जो हमारा एंगेजमेंट है एयरफोर्स का, इनिशियल एंगेजमेंट, मैंने उसको पूरा किया। और मुझे पूरा करने के बाद मुझे लगा कुछ बिहार के लिए काम करना चाहिए, जो बिहारी धब्बा है इसको मिटाने के लिए। उसी समय हमारे प्रशांत किशोर जी, जो इतने बड़े रणनीतिकार के हैं, जो विद्वान हर क्षेत्र में आ गए हैं, वो आए और मैं अपना सौभाग्य समझा कि इसमें मुझे जुड़ने का मौका मिला। और गांधी जी मेरे एक्चुअली गांधी जी को मेरे मतलब सब कुछ है, मेरे बाप के समय है, राष्ट्रपिता है, सब जानते हैं, लेकिन मेरे बाप इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं उनको उनका जो बुक है मैं एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ हमेशा अपने धर्म ग्रंथ की तरह रख सकता हूँ साथ में। जो भी मेरे जीवन में जब भी समस्या आई सत्य के रास्ते पर चलती है कि मेरा सत्य न भंग हो, और जब भी मैंने क्वेश्चन का आंसर देखा उस ग्रंथ से मुझे मिला है। तो बापू का एक यहाँ फोटो, प्रशांत किशोर जी का सोच, दोनों का एक जो संगम आया उसमें मैं बह गया और मुझे किसी ने नहीं बोला। क्या आपको लग रहा है कि जो बिहार का बिहारी का प्राउडनेस 2000 साल पहले था फिर से उसको बहाल किया जा सकता है? 110% मेरा ये अनुभव, अंत चेतना मेरी आवाज दे रही है, क्योंकि प्रशांत किशोर जी का जो सोच है वो भी त्याग और महात्मा गांधी को लेकर है। और आज महात्मा गांधी प्रासंगिक है, दुनिया ये देख रही है। आप देख रहे होंगे G20 के में जो राष्ट्राध्यक्ष थे वो अगर इंडिया में आए तो राजघाट पे गए, अहिंसा के पुजारी को नमन किया, क्योंकि ये पूरा विश्व मान रही है कि गांधी के विचारों के बिना हमारा इस विश्व का कल्याण नहीं है। एज ए आप रिटायर्ड एयरफोर्स हैं, एज ए आपके कलीग्स हों या एज ए बिहार के जो रिटायर्ड एयरफोर्स हों या फौजी, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे जो इस जन स्वराज पदयात्रा को, मुहिम को सफल बनाने के लिए? मेरे काफी मित्र जो मेरे साथ रिटायर्ड हुए और जब से मैं जन स्वराज में जुड़ा हूँ मेरे साथ उनकी सहानुभूति है, और वो बोल रहे हैं कि हमें भी इसमें कूदना चाहिए क्योंकि बहुत शिकार हुए हैं। और मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि पैसे तो पेंशन मिलती है सरकार, परिवार चलाने के लिए बहुत है। मेरा खुद का एक मैथ फॉर्मूला है, मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा कि 20 साल हम पढ़ाई की अपने लिए सिर्फ,
20 साल परिवार को दिया हो और अगला जो 20 साल होगा वो समाज के लिए राष्ट्र के लिए समर्पित होगा। हम एक सैनिक है तो हम समर्पण, हम तो फौज में गए थे मरने के लिए, अगर हम बच के आ गए हैं तो अब इस बिहार के मुहिम को, इसमें अगर हमारा प्राण भी चला जाए तो कोई अफसोस की बात नहीं। तो मैं सबसे आग्रह करूंगा कि जो भी जज्बाती लोग हैं बिहार को बदलने चाहते हैं, उनका परिवार सुखी है, वो पेंशन भी उठाते हैं और इसमें तन मन से लग जाए तो बिहार का जरूर विकास होगा। कितना अपने आप को सेल्फ सेटिस्फेक्शन महसूस करते हैं इस अभियान से जुड़कर? 100% 1% एक्सप्लेन कीजिए कैसे? क्योंकि मुझे लग रहा है कि समय और जो परिस्थिति है बिहार में, आप देख रहे हैं कई राजनीतिक पार्टियों के हिसाब से दोनों का मेल कर रहा है और 2025 में तो राजनीतिक पार्टी बनके भी आ रहे प्रशांत किशोर जी, अगर शायद ये आए और आना ही है, कोई दो राय नहीं है, तो परिवर्तन जरूर होगा। क्योंकि ये विचार सिर्फ बिहार के नहीं है, पूरे विश्व में घूमे, साउथ अफ्रीका में रहे और इनका बहुत सारा अनुभव है, देखे कैसे हम कर सकते हैं इस विकास को। ये अंदर में नहीं है, बाहर से हम इसको वाच किए हैं तब इसके अंदर आए, तो ऐसे लोग समाधान निकाल के आएगा। सेल्फ सेटिस्फाइड हैं आप? मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूं और मुझे लग रहा है नीति प्रशांत किशोर को भेजा है काम कराने के लिए, क्योंकि बिहार में दुखी लोग हैं हम लोग हैं और ये पूरी सृष्टि काम कराती है, परमात्मा ईश्वर अल्लाह जो भी आप बोले, ये अपना काम करवाती है, जो नीचे रहता है ऊपर जाता है और एक समय आया है। इस समय में एक चीज मान सकते हैं, गांधी को नजरअंदाज करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या आपको लगता है कि गांधी को इतना आसान तरीका से मिटा दिया जा सकता है, उनको नजरअंदाज किया जा सकता है? ये तो सदियां नहीं भुला पाएंगे गांधी के विचार। आज देखिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पूरी दुनिया पर्यावरण परिवर्तन पे, जलवायु पे, पूरी दुनिया के जितने बड़े मतलब विकसित देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं वो परेशान है, और गांधी का एग्जांपल देना चाहूँ, गांधी की जो खादी है, खादी उसको बोलते जो खाद बन जाए, तो ये जो सोच है जलवायु परिवर्तन से लेके मानवता से लेकर के नैतिकता से लेकर के सुखी और समृद्ध समाज की जो संकल्पना गांधी की थी, उसके बगैर दुनिया जी नहीं सकती, चल नहीं सकती। लेकिन कुछ कभी ना कभी आना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं, आइडियोलॉजी है, जो गांधी को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो ये तो कुछ लोग हैं जो अपने स्वार्थी वाले लोग हैं, कुछ हिंदू लोग हैं कि गांधी की सोच थी, गांधी की मेरी दो आंखें हैं तो हिंदू एक मुसलमान है, गांधी तो विश्व पुरुष थे, गांधी एक किसी धर्म से व्यक्ति नहीं थे। ऐसे लोग जो अपने धर्म के नाम पे जीते हैं कि मेरा धर्म ही हो, तो ऐसे लोग तो दूर करेंगे। गांधी किसी धर्म के नहीं थे और फिर इंडिया के भी नहीं थे, आप देखिएगा साउथ अफ्रीका में कितना काम किया, उतना तो इंडिया में काम नहीं किए। तो गांधी को बिना भुलाए आप देश की उन्नति नहीं कर सकते हैं, चाहे आप कुछ भी राजनीति करें, मंदिर के नाम पर राजनीति करें, मस्जिद के नाम पर राजनीति करें। आज जिस राम की चर्चा करते हैं, हम मंदिर की भारत में चर्चा कर रहे हैं, आज करोड़ों रुपया खर्चा कर रहे हैं। मैं तो सोचता हूँ और मैं मुझे ऐसा लगता है कि अगर एजुकेशन के सही एजुकेशन पे हम खर्चा करें इस तरह से तो ज्यादा विकास होगा। आपको धर्म तो एक पर्सनल चीज है, उसको मानना चाहिए जी, लेकिन उस पर राजनीति नहीं करना, राजनीति नहीं करनी चाहिए। जिससे गांधी जी ने तो ऐसा कभी नहीं राजनीति की, धर्म के राजनीति, राम तो उनके इतने बड़े प्यारे थे कि रघुपति राम उनका तो ये मंत्र ही था। और मैं बता देता हूँ भाई, बड़े बड़े संत जब उनके अंत समय आती है तो मुंह से राम नहीं निकलता है, मैंने कईयों संतों को देखा, लेकिन गांधी के हे राम जो विश्वविख्यात है, जाइएगा राजघाट पे मिलता है, जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने राष्ट्र के बारे में बोलता है, सोचता है, उसको देशभक्त बोलते हैं, मरने के बाद शहीद बोलते हैं। ये मानना है बापू फकीर थे, महात्मा थे, वो किसी बंधन से मुक्त थे और बिना बंधन से मुक्त हुए हम स्वतंत्र नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं हम किसी न किसी रूप में जकड़े हुए, जाति हो, धर्म हो, जात पात हो, काले गोरे का भेद हो, ऊपर नीचे वाले, धनी गरीब है। बापू तो बोलते थे जो सबसे दरिद्र है वही नारायण है, उसकी सेवा करो, और आज हम उसको सबसे साइड में करते हैं। मेरा देखिए कभी भी संबोधन होता है किसी मंच से, खासकर जन सुराज में, तो मैं सबसे पहले बोलता हूँ को बड़ा छोट का अपराध हो, और मैं सबसे लास्ट व्यक्ति को संबोधित करना चाहता हूँ, न कि हमारे यहाँ प्राधिकारी को संबोधित करता हूँ, क्योंकि नारायण के रूप में हमारा लास्ट व्यक्ति खड़ा होता है और गांधी लास्ट व्यक्ति की चिंता करते थे। और हम आज परंपरागत देखते हैं जो बड़े हैं पैसे वाले हैं, अंदर से कितने गरीब हैं भगवान अल्लाह जानते हैं, जितने बड़े बड़े मंत्री हैं और बड़े बड़े जो लोग जो काम करते हैं, मैं तो कईयों के साथ रहा हूं, ये बहुत गरीब लोग होते हैं, दिल वाले लोग नहीं होते हैं, ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और जो 10 रुपए चोरी करता है उसको जेल में डाल देते हैं। तो गांधी उस विचारधारा के आदमी नहीं थे। एक बार अपना इंट्रोडक्शन बता दें फिर से। मेरा नाम तरुण कुमार चौबे, अभी जन स्वराज के लिए मेरा नाम तरुण बिहारी है, जिला प्रवक्ता हूँ पश्चिमी चंपारण का। पूर्व परिचय मैं भारतीय वायुसेना में 2001 से लेकर 2021 तक नौकरी किया हूँ और मैं लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में रहा हूँ और एयरफोर्स का बहुत बड़ा मेरे ऊपर एहसान है, उन्होंने मुझे कई चीजों बंधन से मुक्त कर दिया, जाति धर्म से। हमारे फौज में आप जाइएगा कहीं से जाति धर्म से आपको मुलाकात नहीं, सब एक दूसरे के साथ रहते हैं, और वो मुझे मिला है वहाँ पे एक गिफ्ट के रूप में, जिसको लेकर जन स्वराज के साथ में जुड़ा। थैंक यू।